हरियाणा में हवाई फायर कर लूट की वारदात को अंजाम देना आम बात हो गई है। आए दिन ये वारदातें सुनने को मिल रही है। ताज़ा मामला सोनीपत के गन्नौर का है, जहां देर रात बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने रेलवे रोड स्थित पेट्रोल पंप के कारिंदे से कैश बैग छीन ले गए। इस दौरान बदमाशों ने पंप पर हवाई फायर भी की। बदमाशों की तस्वीर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के कारिंदे ने मामले की शिकायत थाना गन्नौर पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 9:05 की वारदात है और तीन आदमी मोटरसाइकिल पाए थे, बगैर नंबरों की मोटरसाइकिल थी, मुंह पर डाटा लगा रहे थे और वे सेल्समैन से कैश लूट के और उसको रिवॉल्वर दिखाकर हवाई फायर करके और लेकर चले गए। तीन आदमी थे, सेल्समैन का नाम है जोनी, इसकी शिकायत थाने में शिकायत कर दी, इसका पर्चा दर्ज करा दिया हमने। कितने रुपए की नकदी? लगभग 3-4 हज़ार के करीब थे पैसे। शिकायतकर्ता का कहना है कि बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों वहां आए और पिस्तौल के बल पर उसका कैश बैग छीन लिया, जिसमें करीब 3,000 रुपए थे। कारिंदे ने पुलिस को बताया कि बदमाश काले रंग की बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेकर आए थे। उनमें से एक युवक ने हवाई फायर किया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बदमाश कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।